Let's talk about your family. You're married. You have two children. Ek beta, ek beti. Tell us briefly, how did you meet your wife? Was it arranged marriage? Yes, arranged marriage, very much so. Arranged, but then in love. I saw her at her cousin's house. It was arranged by my parents. Hamare jab college mein hum the, jab बहुत सारी लड़कियां हमारे कॉलेज की, यू नो, दे यूज्ड टू लाइक मी एंड मेनी ऑफ देम, यू नो, डिड वांट टू सॉर्ट ऑफ, यू नो, दैट वी शुड गेट मैरिड एंड ऑल. और मैं हमेशा मम्मी को जो है वो ले जाता था अपने कॉलेज की लड़कियों को और मिलाता था. मम्मी कहती थी, बेटा नहीं, ये इतनी ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हें जो है वो एक, यू नो, अच्छी घरेलू लड़की होनी चाहिए, ऐसा करके जो जिंदगी पर साथ दे. तो हमेशा की तरह, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे संस्कार जो है वो अपब्रिंगिंग हमारी जो थी, तो उसके हिसाब से मैंने मम्मी पापा से कहा कि भाई, यू नो, ऑल्दो आई वाज इन गेटिंग इनटू फिल्म्स, यू नो, पर मैंने कहा कि आप जो बेहतर समझेंगे वही बता दीजिए मुझे. बट वाज देयर अ साइड टू यू जो आपको कह रही थी, नहीं यार, लड़की जो मुझे अच्छी लगे, जो मैं चाहूं, जो मुझे प्यार करती है, मैं उसे प्यार करता हूं, उससे मैं शादी करना चाहता हूं, वो वाज दैट गोइंग थ्रू योर माइंड एट द सेम टाइम व्हाइल यू वर कंसीडरिंग, यू नो, गोइंग विद योर चॉइस? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है, दे आर लाइक रोमियो एंड जूलियट. सब में बड़ा रोमांस का कपल जो मेरे सामने प्ले करता रहा वो वाज माय फादर एंड माय मदर. वंडरफुल, यू नो, एंड इवन टुडे दे आर टचिंग माशाल्लाह 90, यू नो, एंड माय फादर डजंट ईट फूड अंटिल माय मदर हैज ईटन फूड. माय फादर डजंट स्लीप अंटिल माय मदर हैज बीन पुट टू स्लीप. क्या बात है. बाय द नर्सेस, यू नो, बिकॉज़ शी इज नॉट, बोथ ऑफ देम आर अनवेल एंड हार्डली कैन दे कम out, you know, maybe once in 6 months or something. They just, you know, कोई बहुत जरूरी चीज हो, governmental काम हो, तो, you know, they come out. बाकी तो they are at home. So I have seen the biggest romantic couple in front of my eyes was my parents, you know, and I felt that, oh my God, if this can be romance, then this is true romance, and that's why I think I should, you know, I should definitely confess that. वो सारा जो सीन है उनकी मोहब्बत का, इन द सेंस ऑफ बहुत ही पाकीज़ा मोहब्बत का, जो है वो चीजें मेरी मेरी जिंदगी में, मेरे कॉम्पोजिशन में भी जो है वो झलकती होंगी. वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल. आखिर में ये पूछना चाहूंगा, यू हैव लिव्ड अ वेरी इवेंटफुल लाइफ, आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ किया है, शौहरत का, यू नो, वो मुकाम आपने हासिल किया है जो बहुत ही कम लोग हासिल करते हैं एक लाइफ टाइम में. जब आप अकेले बैठते हैं और अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, और वो जो नन्ना मुन्ना सा नदीम आपको नजर आता है, अगर आप उनसे कभी मुलाकात करें, अगर आपको मौका मिले उसको एडवाइस देने के लिए, तो आप उस छोटे नन्ने मुन्ने नदीम को आप क्या कहते हैं? इतना प्यारा सवाल है, इतना डिफिकल्ट सवाल है कि मैं अपनी जिंदगी में जो है वो हम स्टंप. मैं अपने आप से क्या कहता? मैं अपने आप से यही कहता, मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस, एक्सट्रीम सक्सेस जो है ना, वो कई बार एक्सट्रीम फेलियर बन जाता है. और इंसान ने जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस मिलने के साथ साथ अपने अपने आपे में रहना चाहिए, अपने आप में रहना चाहिए, अपने घर के सिमट में रहना चाहिए, अपने घर की चार दीवारी में रहना चाहिए. ब्यूटिफुल आंसर. देखा, आंसर में मिल गया, एंड दैट इज सच ब्यूटिफुल इंस्पायरिंग आंसर. और इसी के साथ आपको शुक्रिया अदा करेंगे, आपने हमारे साथ इतना वक्त गुजारा, गीत भी गाए और ऐसी बातें हमारे साथ शेयर की जो शायद लिसनर्स ने पहली बार सुनी होंगी. उम्मीद है आपको ये जो आपका सफर था अच्छा लगा होगा. अरे, मैं आपका और बीबीसी का बहुत शुक्रगुजार हूं, और मैं दिल से अपने फैंस का, आप यकीन मानिए, ये जो 19 साल का मेरा जो इतना कठिन सफर जो है, वो मेरे फैंस की मोहब्बत के सिवाय जो है वो, और जितनी मोहब्बत उन्होंने दी है मुझे, वो अगर नहीं मिलती तो शायद मैं जी नहीं पाता. तो मैं उनका तहे दिल से, ट्रस्ट मी, मैं इतना शुक्रगुजार हूं उनका. एंड आई लव यू, एंड आई होप दैट टू द एंड ऑफ माई लाइफ आई कैन गिव यू सम ब्यूटिफुल मेलेडीज विच विल मेक योर लाइफ ऑल्सो मोर ब्यूटिफुल. और जीने की जो है वो, जीने की मजा जो है वो, जीने का मजा जो है आए वो, ऐसे गीत मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जो दे सकूं. मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि मुझमें वो काबिलियत दे दे, और मुझमें ताकत दे दे, मुझमें सेहत दे. और आप सबसे बहुत बहुत दुआ की गुजारिश है. थैंक यू, थैंक यू वंस अगेन. जय हिंद. Thank you.
यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। सफर एंजॉय किया होगा। एंड इफ यू मिस इट, रिमेंबर यू कैन लिसन बैक ऑन आवर बीबीसी आई प्लेयर ऐप बाय गोइंग टू bbc.co.uk/asiannetwork। लेकिन ये आप सुन सकेंगे 12 बजे के बाद, जब हमारा प्रोग्राम खत्म होगा तो आपको मौका मिलेगा इसको दोबारा सुनने का। एंड लोड्स ऑफ पीपल आर रियली रियली अप्रिशिएटिंग टुनाइट्स मेरा सफर। सुखजीत आपने कहा है राइट, रियली एंजॉयड लिसनिंग टू मेरा सफर विद नदीम सैफी। एंड सुरैया मखदूम आपने हमें ईमेल मैसेज करके कहा है थैंक्स फॉर डूइंग अ प्रोग्राम ऑन नदीम सैफी। बोथ ऑफ देम नदीम एंड शबन आर इंडीड अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी ऑफ फिल्म म्यूजिक इन फ्रॉम द 90s। नदीम सॉन्ग चॉइस इन द इंटरव्यू वाज आल्सो ग्रेट, स्पेशली धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू more interviews with film personalities, especially from the music field. Suraya ji, aapka bahut bahut shukriya. Thank you very much for getting in touch. Ray Khan on BBC Asian Network. So here we are this Wednesday night. Because maine kaha tha na, if there's a song you want to hear, let me know.